नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले टेक न्यूज और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल इंडियन टेक जुगाड़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन जुगाड़ टेक में। फ्रेंड्स, इन्फोकस ने आज अपने दो नए स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च किए हैं। एक तो है आपका इन्फोकस स्नैप 4 और दूसरा है आपका इन्फोकस टर्बो 5 प्लस। जी हाँ दोस्तों, टर्बो 5 पहले लॉन्च किया गया था, अब उसका सक्सेसर इंडिया में लॉन्च किया गया है इन्फोकस टर्बो 5 प्लस। फ्रेंड्स, जो आपका इन्फोकस स्नैप 4 है उसमें आपको 4 कैमरा मिलने वाले, दो आपको रियर में मिलने वाले हैं और डुअल कैमरा सेटअप ही आपको फ्रंट में मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स, इन दोनों फ़ोन के बारे में आज हम बात करने वाले इस वीडियो में। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलती है सबसे पहले आपको लेटेस्ट टेक न्यूज़। सो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं इन्फोकस स्नैप 4 के बारे में। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है स्नैप 4, तो इस फ़ोन में आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलने वाला है, साथ में आपको डुअल फ्रंट कैमरा सेटअप भी मिलने वाला है। अगर बैक की बात की जाए यानी कि रियर की बात की जाए तो आपको 13 मेगापिक्सल प्लस में 8 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलने वाला है। इनमें से एक आपका वाइड एंगल कैमरा होगा और दूसरा आपका टेलीफोटो लेंस होने वाला है। ऐसा ही सेटअप आपको फ्रंट में देखने को मिलेगा, लेकिन वहां पर सिर्फ आपको 8 मेगापिक्सल प्लस में 8 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसमें से आपका एक होगा आपका वाइड एंगल कैमरा और दूसरा आपका होगा जो कि टेलीफोटो लेंस वाला कैमरा। और फ्रेंड्स, अगर डिस्प्ले की बात की जाए तो इन्फोकस स्नैप 4 में आपको 5.2 इंच का एचडी डिस्प्ले मिलने वाला है, साथ में आपको 2.5D का कर्व्ड ग्लास मिलेगा। अगर यहाँ पर बात की जाए प्रोसेसर की तो इस फोन में आपको मीडियाटेक का MT6750N प्रोसेसर मिलने वाला है। अगर यहाँ पर बैटरी की बात की जाए तो आपको इसमें 3000mAh की बैटरी मिलने वाली है। अगर फ्रेंड्स रैम की बात की जाए तो इस मोबाइल में यानी कि इन्फोकस स्नैप 4 में आपको 4GB का रैम मिलने वाला है, साथ में जो इंटरनल स्टोरेज होगा आपका वो 64GB का होगा, जिसे आप 128GB तक एक्सटेंड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इन्फोकस ने बताया कि ये मोबाइल आपका फोटोग्राफी के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, रियर से भी और फ्रंट से भी। तो देखते हैं कि इनके जो स्नैप्स है वो कैसे निकल कर आते हैं। सो फ्रेंड्स, इसकी जो क्वालिटी है उसका तो बाद में ही पता लगेगा कि किस टाइप के ये फोटो इमेज यहाँ पर प्रोड्यूस कर पाएगा। अगर आप बात की जाए इन्फोकस टर्बो 5 प्लस की, तो जैसा कि आपको पता होगा जब इन्फोकस टर्बो 5 लॉन्च किया गया था तो उस समय उसमें 5000mAh का बैटरी आपको देखने को मिला था, लेकिन इन्फोकस टर्बो 5 प्लस में आपको 5000mAh की बैटरी नहीं मिलने वाली है। इस बार जो बैटरी आपको मिलने वाली वो 4850mAh की मिलने वाली, यानी कि लगभग 5000mAh की हो जाती है। अगर यहाँ पर डिस्प्ले की बात की जाए तो आपको 5.5 इंच का HD डिस्प्ले मिलने वाला है और जो आपका प्रोसेसर होगा वो आपका मीडियाटेक MT6750 ही होने वाला है। अगर बात की जाए यहाँ पर रैम की, तो इस मोबाइल में आपको 3GB का रैम और 32GB का इंटरनल स्टोरेज मिलने वाला है, जिसे आप एक्सटेंड कर पाएंगे 64GB तक। अगर यहाँ पर इन्फोकस टर्बो 5 प्लस के फोटोग्राफी की बात की जाए तो रियर में आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जो कि होगा आपका 13 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का। और अगर फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो फ्रंट में आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एक कैमरा मिलने जो कि आपका 5 मेगापिक्सल का होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर लास्ट में इन दोनों मोबाइल की अवेलेबिलिटी की बात करें तो ये दोनों मोबाइल आप अमेजन के थ्रू परचेज कर पाएंगे। आपका जो इन्फोकस टर्बो 5 प्लस होने वाला है उसको आप 21 सितंबर से परचेज कर पाएंगे, जबकि आपका जो स्नैप 4 होने वाला है उसको आप परचेज कर पाएंगे 26 सितंबर से। अगर प्राइस की बात की जाए तो इन्फोकस टर्बो 5 प्लस का जो प्राइस होने वाला है वो आपका 8999 रुपये होगा और जो स्नैप 4 है उसका प्राइस होने वाला है 11999 रुपये। तो 11999 रुपये में आपको यहाँ पर डुअल फ्रंट कैमरा सेटअप और डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा यूनिक यहाँ पर कॉम्बिनेशन निकल कर आया है इन्फोकस की तरफ से। देखते हैं कि ये सक्सेसफुल हो पाता है या नहीं हो पाता है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।